वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। समूची धरती पर एक नगरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको जीता नहीं जा सकता। अयोध्या है, अयोध्या यानी कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। कारण यह है कि इस नगरी से राजा रघु, दिलीप, अज और दशरथ जैसे पराक्रमी राजाओं ने कोशल जनपद पर शासन किया और वे अजेय थे, शक्तिशाली राजा थे, बहुत बड़ी पराक्रमी सेना के मुखिया, सिपहसालार, सेनापति, और वो पराक्रमी राजा भी। 19 सूर्यवंशी राजाओं के कुल में यानी कि रघुकुल में राम भी हुए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था, ठीक उसी जगह भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। अब आखिरी दौर का काम बाकी है। आप यह भी कह सकते हैं कि लगभग 500 सालों की राम भक्तों की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। 22 जनवरी को मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नियत की गई है और इस तरह से 50 दिनों से भी कम समय बचा है 22 जनवरी 2024 के लिए, जिस दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने को तय कर दिया जाएगा। एक लंबे संघर्ष और अदालती लड़ाई के बाद दुनिया भव्य राम मंदिर को देखेगी और देश के लोग जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट जो मंदिर बनाने के काम में लगा हुआ है, उसके साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मिलकर सभी काम निपटाने में लगी हुई हैं। सारा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ताज़ा हैं और 22 तारीख को जब आपको अयोध्या देखने का मौका मिलेगा, तमाम टीवी चैनलों पर भी आप देखेंगे, तो आपको दुनिया की सबसे भव्य दिव्य नगरी दिखाई पड़ेगी। जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सब ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। प्राण प्रतिष्ठा दुनिया में अपनी तरह के अनोखे भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए याद किया जाए, इसी खातिर सारे साधन संसाधन झोंक दिए गए हैं। अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो गया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और शहर की सड़कों से लेकर मंदिर जाने के रास्ते तक को ऐसे तैयार किया गया है कि आपकी आँखें बस निहारती रह जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि आप तय मानिए कि 22 जनवरी के बाद की अयोध्या अलग होगी, नए भारत की नई पहचान के साथ चमकती दमकती दिव्य भव्य अयोध्या, दुनिया की श्रेष्ठतम धर्मस्थली की पहचान वाली अयोध्या आपके सामने होगी। आज 6 दिसंबर है। अयोध्या के इतिहास में इस तारीख का भी बहुत महत्व है और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज से महज कुछ दिनों के फासले पर एक बड़ा दिन पर्व के तरह खड़ा है, उसकी प्रतीक्षा समूचा हिंदुस्तान कर रहा है। अब मैं आपको बारी बारी से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि 22 जनवरी 2024 के आयोजन को लेकर के किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। 22 जनवरी के दिन रामलला का जो मंदिर है, उसका परिसर है, उनकी जो नगरी है, वो कैसा दिखेंगे, मंदिर परिसर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा काम बाकी है जो पूरा हो रहा है, कैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूरे देश से कनेक्ट किया जा रहा है, इवेंट को कैसे ग्लोबल बनाया जा रहा है, आज यह सब कुछ आपके देखने, समझने, जानने की बारी है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मंदिर निर्माण को तीन स्टेजेस में रखा गया है, जिसको आप चरण भी कह सकते हैं। पहले चरण के काम को 30 दिसंबर 2023 यानी कि इस साल 30 दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसमें गर्भगृह के आसपास का पूरा निर्माण शामिल है। दूसरे चरण में, सेकेंड फेज में, जो काम होगा वो 30 दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। उसके तहत भव्य राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और तीसरे चरण में राम मंदिर के पूरे कॉम्प्लेक्स का काम शामिल है। उसमें ट्रस्ट का कार्यालय, साधु संतों के रहने का आश्रम, सुरक्षा बंदोबस्त वगैरह वगैरह, यह जितनी चीज़ें हैं इससे जुड़े हुए निर्माण शामिल हैं।
तीसरे फेज के पूरा होने की तारीख है 30 दिसंबर 2025, यानी कि 30 दिसंबर 2023, 30 दिसंबर 2024 और 30 दिसंबर 2025। यह तीन फेज में राम मंदिर उस रूप में दिखेगा जिस रूप में उसकी प्लानिंग की गई है, जिसको आप दिव्य भव्य कहते हैं। लेकिन 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर दिखेगा वह अद्भुत होगा, इस बात की गारंटी वो लोग दे रहे हैं जो निर्माण की तैयारी में और 22 तारीख की तैयारी दोनों में लगे हैं। मंदिर का प्रथम चरण 30 दिसंबर 2023 को पूर्ण हो जाना चाहिए। प्रथम चरण में क्या होगा तो यह स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण में जो पांचों मंडप हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो मंडप हैं पांच, जिसमें सबसे प्रमुख तो गर्भगृह है जहां भगवान स्थापित होंगे, फिर गुरु मंडप है, प्रार्थना मंडप है, नृत्य मंडप है, तो जो पांच मंडप हैं ये पूर्ण हो जाने चाहिए। पांचों मंडप के कंस्ट्रक्शन में लगभग 160 स्तंभ हैं, पिलर जिसको कहते हैं, वो पूर्ण होने चाहिए। उसमें जो आइकोनोग्राफी का कार्य है वह पूरा होना चाहिए। जो लोअर प्लिंथ मंदिर का जो लोअर प्लिंथ होगा निर्माण में, उसमें जो प्रसंग हैं भगवान राम के, उन प्रसंगों की शुरुआत हो जानी चाहिए और बिजली की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। यह सब कार्य 30 दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। उसके बाद जो पहली स्टोरी है, प्रथम और दूसरी जो सेकंड स्टोरी है जो आपने डिज़ाइन देखा होगा, उसके लिए और जो परिक्रमा के लिए स्थान जिसको हम परकोटा कहते हैं, यह सब 30 दिसंबर 2024 को पूर्ण होगा। यही योजना है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर की जो पहली झलक आपको देखने को मिलेगी, उसमें 32 सीढ़ियों वाले भव्य सिंह द्वार के साथ मंदिर का ग्राउंड फ्लोर कमोबेश पूरा दिखेगा। इसमें गर्भगृह यानी कि जहां राम लला विराजमान होंगे उसके साथ पांचों मंडप शामिल होंगे। गर्भगृह का मतलब होता है कि देवालय के भीतर वह जगह जहां देवता को स्थापित करते हैं और जिसके ऊपर मंदिर का शिखर होता है। तो जो मंडप हैं वो नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, यह सब भी गर्भगृह के साथ साथ तैयार मिलेंगे। उस रोज राम मंदिर की पहली झलक कैसी होगी, इसे आप दिवाली के मौके पर तैयार किए गए वीडियो में देख सकते हैं। दिवाली के लिए मंदिर निर्माण स्थल को पहली बार सजाया गया था। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें सजी धजी अयोध्या नगरी के बीच मंदिर की भव्यता बरबस अपनी ओर खींच रही थी। ये तस्वीर वही है जो दिवाली कारीगरी सब कुछ उम्दा है। बहुत बारीक काम चल रहा है। फर्श को चमकाने का काम आखिरी दौर में है। फर्श पर तरह तरह की खूबसूरत आकृतियां बनाई जा रही हैं, उकेरी जा रही हैं। छतों पर नक्काशी की जा रही है। बाहर से तैयार किए गए पैनल उनको फिट किया जा रहा है। लगभग 150 स्तंभ यानी कि खंभों पर पहला जो फ्लोर है, पहला तल, वह टिका होगा। खूबसूरत नक्काश से सज स्तंभों के निर्माण का काम भी फाइनल स्टेज पर है। खंभों दीवारों पर देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को पवित्रता और दिव्यता का अनुभव कराएंगी। जब कभी भी आप 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या जाएंगे राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए, तो दुनिया में और देश के भीतर जितने भी धर्मस्थल हैं उनमें से आप अयोध्या को अलग पाएंगे। उसकी दिव्यता, भव्यता, उसका गौरवगान, यह सब कुछ आपको अलग मिलेगा। कोशिश ये है कि जिस तरीके से दुनिया में इस्लाम के लिए एक शहर है जिसको मक्का कहते हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी के लिए
एक शहर है जो रोम कहे, वैसे ही हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक नगरी हो अयोध्या। तो अयोध्या को वो हैसियत देने की तैयारी चल रही है। निर्माण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि खुदाई के दौरान जो देवी देवता मिले, एएसआई ने जब वहाँ ढांचा गिराया गया, उसके बाद एएसआई ने कोर्ट के आदेश पर जो खुदाई की थी, तो नीचे जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली थीं, खंडित थीं, उनको फिर से उनके पुराने सौंदर्य के साथ तैयार करवाया जा रहा है, ताकि अब जब मंदिर जाएं तो यह पता चले कि उस जगह की पवित्रता कैसी है, पौराणिकता कैसी है। इसके साथ ही उन पत्थरों खंभों को भी निर्माण के हिस्से में रखा गया है, यानी कि उनको बनाया जा रहा है, जो 90 के दशक से यहाँ जमा किए जाते रहे हैं। राम भक्तों के जरिए अपनी श्रद्धा से देश भर से यहाँ लाए गए इनकी फिनिशिंग का काम भी फाइनल स्टेज में है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा हमारे सहयोगी अखंड प्रताप ने लिया था, और मैं चाहता हूं कि उनकी जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाऊं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला का दिव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर के ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से अहिल्या रूपी पाषाण रखे गए थे, जो 1990 के दशक से अभी तक ऐसे रखे गए थे, तो आज उन पत्थरों का भी जो काम है वो पूरा हो गया। भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बन रहा है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 4000 से अधिक वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी होंगे। कुछ ऐसे परिवारों को बुलाया गया जो लेबर होंगे, मजदूर होंगे, जो राम की भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कार्य कर रहे होंगे, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो पूरी अयोध्या में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, लोगों की यही इच्छा है, लोगों की यही मनसा है कि जब आराध्य अपने गर्भगृह विराजमान हो तो सबको निमंत्रण पत्र, ट्रस्ट बेहद खास तैयारी कर रहा है, सबको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। संभ्रांत साधु संतरों को निमंत्रण पत्र कुछ संतों को मिल भी चुका है। तो ऐसे में जब भी भगवान रामलला अपने गर्भगृह में यानी दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, उससे पहले जो साधु संत होंगे, जो संभ्रांत लोग होंगे, जगत से होंगे, फिल्म जगत से होंगे, लेबर मजदूर होंगे, वकील होंगे, जज होंगे, सभी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले ट्रस्ट ने चरणरज भेज करके भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग सही शरीक होंगे उनको चरणरज भेजा था। तो यूँ कहा जाए बड़े पैमाने पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, वही भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के भगवान रामलला को विराजमान कराएंगे, उनके साक्षी बनेंगे। तो ये ऐतिहासिक क्षण काफ़ी अलौकिक होगा, क्योंकि जितने भी लोग थे उनको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। 4000 जो साधु संत होंगे वो होंगे, 2500 ऐसे संभ्रांत लोग होंगे वो होंगे। तो यूँ कहा जाए पूरी अयोध्या में त्रेता का नज़ारा है। अयोध्या लगभग बनकर सजकर संवरकर तैयार हो गई है, यानी इंतजार है 22 जनवरी का, जब आराध्य अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। सनातन परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक संस्कार है, और इसके माध्यम से मूर्ति में देवता को स्थापित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है कि इस मूर्ति में देवता आ गए, स्थापित हो गए। अयोध्या की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए श्रीराम एयरपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। रनवे का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 95% पूरा है। 15 दिसंबर को उद्घाटन की तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं। उद्घाटन के बाद एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो सकती है। पहली फ्लाइट अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए शुरू होने वाली है। इसके लिए इंडिगो और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने सर्वे भी करवा लिए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट की बिल्डिंग में भी राम मंदिर की झलक मिलेगी। रामनगरी अयोध्या में त्रेतायुग की तस्वीर जीवंत हो रही है। योगी सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस रामनगरी को त्रेतायुगीन बनाने में। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अपने पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, आज योगी सरकार ने राम भक्तों के लिए तोहफा दिया है कि पुष्पक विमान ना सही लेकिन हवाई जहाज के रास्ते से
अयोध्या वो सभी राम भक्त आ सकते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। मेरी मौजूदगी इस वक्त श्री राम एयरपोर्ट पर, लगभग 98% कार्य इस एयरपोर्ट का तैयार हो चुका है। यहाँ के इंजीनियर की माने तो उनका कहना है कि आने वाली 15 दिसंबर को यह एयरपोर्ट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने आ रहे हैं। पूरा लगभग जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पर चाहे रनवे हो या बिल्डिंग हो, सारी चीजें 98% तैयार हो चुकी हैं। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं, बस अमली जामा पहनाया जाना है। सभी लोगों का सपना साकार होने जा रहा है और अयोध्या को श्री राम एयरपोर्ट का एक बेहतरीन तोहफा मौजूदा सरकार देने जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से अयोध्या में दीपावली भव्य दिव्य अद्भुत मनाई जाने लगी है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको बीजेपी ने अलग अलग शहरों में धर्मस्थलों में करके दिखाया बताया है। अभी जो दिवाली गई है, इस दिवाली के मौके पर इंडिया न्यूज की टीम अयोध्या पहुंची। उस दिन दिवाली की कवरेज के साथ साथ टीम ने अपने कैमरे में राम मंदिर के निर्माण को भी कैप्चर किया। हमारे सहयोगी निकिता सरीन ने मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाकर के स्पेशल कवरेज किया था। एक बार मैं चाहता हूं कि निकिता ने जो कवरेज किया, आप फिर से देखिए कि जहां रामलला विराजमान होंगे, जो गर्भगृह है वो कैसा है। राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये वही जगह है जो कुछ बरस पहले कह सकते हैं कंकाल की तरह थी। राजाओं की राजधानी मानी जाने वाली अयोध्या कुछ साल पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज इसकी जो तस्वीर है, इसकी जो सुंदरता है, वो देखते बन रही है। ये पूरी जो जगह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और आज ये जो भव्य राम मंदिर है, ये यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाए तो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। मंदिर के चारों ओर बस निर्माण कार्य को पूरा करने में सब लोग जुट गए हैं और मंदिर के भूतल का जो निर्माण है वो लगभग पूरा हो गया है। बाकी तल पर निर्माण तेजी से चल रहा है और इसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद भी है। हम आपको लगातार अपने कैमरे से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए जो पिलर्स हैं, और सबसे पहले इस गेट की अगर मैं बात करूं तो ये सिंह द्वार है, जहां से एंट्रेंस के तौर पर जो एक मुख्य द्वार है, यहीं से लोग अंदर जाएंगे और राम लला के दर्शन करेंगे। तो ये जो द्वार है, जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके काम में लगातार लोग लगे हुए हैं, और जो कह सकते हैं कि नए मंदिर में भगवान श्री राम 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन भी तैयार किया जा रहा है, और इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगा, और इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जो तैयारियां हैं उसके बीच राम मंदिर निर्माण का काम और तेजी से भी यहां पर कर दिया गया है, और मजदूरों की संख्या की बात की जाए तो जरूरत के हिसाब से बढ़ा दी गई है। और निर्माण कर रही कंपनी जो है L&T, इस वक्त जो अपना काम है उसको पूरा करने में जुट गई है। हम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं उस पर जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, जो नक्काशी है, बेहद खूबसूरत है। तो अयोध्या नगरी राम भक्तों को समर्पित हो जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। अब राम मंदिर का जो काम है, 15 दिसंबर तक हर हाल में तैयार भी किया जाना है। हम बात करें प्रथम तल की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उसका काम भी 80% पूरा हो चुका है, और राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाने वाला सिंहासन 3 फीट ऊंचा होने वाला है और 8 फीट लंबा, साथ ही 4 फीट चौड़ा भी होगा। परिक्रमा मार्ग की ओर भी हम आपको ले चलेंगे, तब तक आप लगातार तस्वीरें देखते चलिए। हमारे कैमरामैन आपको
तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं राम मंदिर की, जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान जो होना है, प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होना है, वो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल रूप को स्थापित किया जाएगा, जिस जगह को निकिता दिखा रही थी उसी जगह। इसके लिए विग्रह यानी कि मूर्ति का निर्माण आखिरी चरण में है। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले चुनौती भगवान राम की इमेज फाइनल करने की है, कौन सा रूप लिया जाए। रामलला के जिस रूप का चुनाव किया गया है वो 5 साल की उम्र के बालक की भावभंगिमाओं वाला है। इसके लिए चित्रकार वासुदेव कामत के बनाए गए चित्र को चुना गया है। उसके बाद दूसरी चुनौती विग्रह के लिए शिला के चुनाव की रही, यानी किस पत्थर से रामलला की वो मूर्ति बनाई जाए। पहले शिलाओं को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। पिछले साल नेपाल की गंडकी नदी, आपको गंडकी नदी अगर जैसे ही ख्याल में आए तो आप ये माने कि शालिग्राम जो हमारे आपके घर में आते हैं वो उसी गंडकी नदी में मिलते हैं, उसके किनारे। तो गंडकी नदी जो नेपाल की है इसलिए भी प्रसिद्ध है दुनिया में। तो उस गंडकी नदी के एक शिला को यहाँ लाया गया और पूरे रास्ते में उसकी पूजा अर्चना भी की गई। बाद में यह शिला रामलला विग्रह के लिए अयोग्य मान ली गई। फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र भी शिलाएँ चुन करके लाई गई, बाद में उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार राजस्थान के मकराना की एक शिला और कर्नाटक की 2 शिलाओं को चुना गया। इन 3 शिलाओं पर एक साथ रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं और इन 3 मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति पर सहमति तैयार की जाएगी और वही मूर्ति फिर रामलला के रूप में स्थापित की जाएगी गर्भगृह के भीतर। अयोध्या के राम सेवकपुरम में इन 3 विग्रहों का निर्माण चल रहा है। काम बिल्कुल आखिरी चरण में, यानी कि फाइनल फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। जहां रामलला के 3 विग्रह तैयार हो रहे हैं वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, दर्शन ना कर सकते आप। इन 3 विग्रह में से जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे अच्छा लगेगा, एक सहमति उस पर तैयार हो जाएगी, उसी मूर्ति को रामलला की मूर्ति के तौर पर स्वीकार किया जाएगा और फिर देश दुनिया के तमाम लोगों के घरों में वही रामलला फोटो के तौर पर आपको नजर आएंगे। राम मंदिर के निर्माण में एक तरीके से पूरे भारत को कनेक्ट किया गया है। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही चीज़ें भारत के अलग अलग राज्यों से मंगवाई जा रही हैं। जहां से भी जो उम्दा मिल रहा है, अव्वल बेस्ट, उसे राम मंदिर के निर्माण से जोड़ा जा रहा है। मंदिर में जो ध्वज लहराएगा वो गुजरात से लाया जा रहा है। अहमदाबाद में ध्वज के स्तंभों और उसके बेस का काम फाइनल स्टेज पर चल रहा है। हमारे संवाददाता जतिन रावल ने लोकेशन पर जाकर काम का पूरा जायजा लिया था और निर्माण में जुटे लोगों से बात की थी। आप जतिन की उस रिपोर्ट को देखिए। अयोध्या राम मंदिर को लेकर अभी पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां जो है वो चली है। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में आप देख सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो स्तंभ है उसका जो स्तंभ है वो कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दिखाएगा स्तंभ, जो ध्वज स्तंभ है उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है अहमदाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं ये ध्वज जो है तकरीबन 5500 किलो का जो इसमें पीतल है वो इसमें यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राम भगवान की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर अभी यहाँ पर लगाई गई है और इसका जो जो मॉडल होगा वो मैं आपको कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाए आपको, इसी मॉडल पर जो है इसको पूरी तरह से जो है ये इसी मॉडल के ऊपर इसको बनाया जाएगा। जब इसको यहाँ से ध्वज जो लगाया जाएगा उसको यहीं से ऊंचा किया जाएगा, यही बिल्कुल मॉडल जो है इसी मॉडल के ऊपर जो है ये ध्वज स्तंभ जो है इसको यहाँ पर अहमदाबाद के जो गोता विस्तार है, गोता विस्तार में जो अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स है कंपनी, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन अगर बात करें तो तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा इसको जो बनाने की जो काम के लिए, आप देख सकते हैं ये जो मंदिर के ऊपर जो मॉडल के ऊपर जो लगा हुआ बेस था ये वो बेस है, इसको अभी तराशा जा रहा है पूरी तरह से। यह जो कुछ भी चलता हुआ होता हुआ आपको दिख रहा है
22 जनवरी से पहले यह सब पूरा हो जाएगा। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उस दिन देश और दुनिया अयोध्या की एक अलग तस्वीर देखेगी। वो भव्य होगी, दिव्य होगी, आकर्षक होगी, अद्भुत होगी और इतिहास में अपने तरह की इकलौती होगी। अरसत में आज इतना ही। अब मुझे दीजिए विदा, होती है मुलाकात कल। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।